अच्छी देर करेंगे हरियाणा का। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए प्रचार प्रसार के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। वो भी नहीं खरीदते थी, वो राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आकर राजस्थान के किसान बेचते थे, क्योंकि यहां हम एमएसपी पर लेते थे। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, हमने गेहूं की एमएसपी को 2275 रुपयों तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सरसों जो 3050 रुपये पर थी, उसको 5650 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं, आपके शासन में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में कितना धान कितना गेहूं खरीदा, इसका हिसाब लेकर भेजिए। हमारी ये डॉक्टर बहन जिला अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, दो दो हाथ हो जाए, आपने हमसे आधा भी धान नहीं खरीदा। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के चेक। ये जमाना नहीं है। भारत भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की है। ये रेवाड़ी वालों, मुझे जरा गंभीरता से बताना, मैं खुद पूछने आया हूं और मेरे मन से लगा हुआ सवाल है, इसलिए पूछना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? वहां से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कहकर आए कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकते। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं वहां जाकर, वहां